वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर करियर क्लासेस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर एट ऑफ क्लास नाइन मोशन तो मोशन पे बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है ठीक है तो रेस्ट पोजीशन हम किसे बोलते हैं मोशन किसे बोलते हैं पहले वो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए क्या करना है हमें हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है ठीक है तो एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं मूविंग व्हीकल्स फ्लाइंग बर्ड्स सन रेज ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मोशन के ठीक है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसे हम मोशन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है ब्रिजेस रोड्स ट्रीज बिल्डिंग्स हाउसेस जो भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर ही फिक्स्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन ठीक है नेक्स्ट हम हमारे बॉडी का एग्जांपल दे सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रेस्पिरेशन वाटर फ्लोइंग इन द रिवर टाइड्स ये सारे एग्जांपल जो है ये मोशन के एग्जांपल है ठीक है आ, कोई बोलेगा कि सर ब्लड का सर्कुलेशन तो हमें दिखता नहीं है लेकिन ब्लड सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं मोशन बोलते हैं नेक्स्ट व्हाट इज मोशन मोशन क्या है एक्चुअली में इसका साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन क्या है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद पैसेज ऑफ टाइम ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपना पोजिशन चेंज करता है टाइम के साथ ठीक है अगर जो पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन ठीक है क्लियर है नेक्स्ट तो ये है हमारा मोशन का डेफिनेशन और रेस्ट का डेफिनेशन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बोथ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स ये रिलेटिव टर्म है इसका मतलब क्या हुआ रिलेटिव टर्म का मीनिंग रिलेटिव टर्म का मीनिंग है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे कब हमें दिखेगा और मोशन में कब दिखेगा वो थर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है ठीक है थर्ड पर्सन मीन्स जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है ठीक है और रोड पे से कोई अगर मुझे देख रहा है तो उसे लगेगा कि मैं और बाइक दोनों मोशन में है ठीक है ड्राइवर एंड बाइक दोनों मोशन में लेकिन जो उसके बैक सीट पे बैठा है उसे क्या लगेगा मैं भी तो रेस्ट पोजीशन पे और जो बाइक चला रहा है वो भी तो रेस्ट पोजीशन पर है ठीक है तो इसलिए ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है ठीक है आगे मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करेगा कि वो मोशन कब देख रहा है कब रेस्ट पोजीशन पे देख रहा है तो कुछ एग्जाम्पल है मोशन के सी सर्फिंग हाई स्पीड ट्रेन स्नो बोर्डिंग ठीक है नेक्स्ट जाते हैं तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के तो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ये भी एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन का और लीनियर मोशन पुशिंग अ बॉक्स बॉक्स को हम पुश करेंगे तो बॉक्स मूव करना चालू कर देगा मार्च पास बाय स्टूडेंट इन अ परेड ग्राउंड ठीक है मार्च होता है परेड होता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड रेक्टिलिनियर मोशन बॉल किक्ड बाय बॉय ये रेक्टिलिनियर मोशन ठीक है तो एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं बहुत ही सिंपल है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वही है बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स द राइडर टू बी मोशन ठीक है ये क्वेश्चन अराइज हुआ तो अभी मैंने बताया आंसर क्या आएगा यस yes, तो आंसर आएगा कि बैक सीट पे जो बैठा है उसे वो जो पर्सन है राइडर उसको राइडर को दिख मतलब बैक सीट पे जो पर्सन है उसे राइडर दिखेगा कि वो रेस्ट पे है ठीक है उसे तो लगेगा मैं भी सीटिंग पोजीशन पे हूँ यह भी सीटिंग पोजीशन पे दोनों कहाँ पे मूव कर रहे हैं इसलिए ठीक है सेकेंड पॉइंट इसे एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं सपोज यू आर सिटिंग इन ऑन योर स्कूल बस स्कूल बस में आप बैठे हैं और आपका बैग आपके बाजू में है ठीक है सेम टाइम पे आपका फ्रेंड है वो बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आपके फ्रेंड को क्या दिखेगा आप भी मोशन कर रहे हो आपका बैक भी मोशन कर रहा है दोनों साथ में मोशन करता हो दिखेगा दोनों आगे की साइड जाता हो दिखेगा इसलिए पूरा का पूरा मोशन जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है वो पूरा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वेन अ वहीकल चेंजेस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोल ठीक है सपोज एक इलेक्ट्रिक पोल के पास एक व्हीकल खड़ी है ठीक है उसके बाद वो व्हीकल मूव करना स्टार्ट कर दी तो वो पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे मोशन लेकिन वो व्हीकल उसी पोजीशन पे दो दिन से रखी हुई है तो व्हीकल क्या हो गया उस टाइम पे रेस्ट पोजीशन पर हो गया ठीक है तो ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है मोशन ठीक है नेक्स्ट कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं मोशन के ये टाइप्स हैं मोशन के ठीक है हमारे mm. नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ प्रैक्टीलिनियर टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है ठीक है बाकी सारे टाइप ऑफ मोशन हम डिटेल में फर्दर स्टडीज करेंगे इलेवंथ स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में ठीक है तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पीरियडिक मोशन अब ये पीरियडिक मोशन क्या होता है पीरियडिक मोशन इज नथिंग बट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना चाहिए या तो पीरियडिक टाइप में ट्रैवल करना चाहिए सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम में वो क्या होना चाहिए कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर से वही पाथ कंप्लीट होना चाहिए जैसे कि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को रोटेशन के लिए कितने डेज लगते हैं hmm. ठीक है सॉरी रिवॉल्यूशन के लिए ठीक है तो अर्थ को रिवॉल्यूशन के लिए जितने भी डेज लगते हैं वो सन के अराउंड ऐसे घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है ऐसे ही सारे प्लानिट्स भी घूमते रहते हैं ठीक है अगर मैं मून की बात करूँ तो मून भी अर्थ के रिवोल्यूशन लगाता रहता है ठीक है तो वो एक पीरियड फिक्स है जैसे कि मून का बताऊँ मैं तो ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट ठीक है इतने टाइम में मून जो है अर्थ का सर्कुलेशन कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन पूरा तो वो ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट लगातार घूमता ही रहता है ऑल ओवर द पीरियड ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ठीक है तो पूरे टाइम पे वो घूमता रहता है इसलिए वो एक पीरियड फिक्स हो गया तो उसे हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन ठीक है जैसे कि आपका स्कूल में मैथ्स का लेक्चर आता है या तो साइंस का लेक्चर आता है हर मंडे ठीक है मंडे को ही आपका मैथ्स और साइंस का लेक्चर होता है और फर्स्ट सेकेंड लेक्चर ही होता है ठीक है तो वो फिक्स हो गया है कि ऑल ओवर द ईयर ये मंडे को ही मैथ्स एंड साइंस होगा तो वो पीरियडिक हो गया ठीक है तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट है पीरियडिक खाली ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा वो याद रखना ठीक है नेक्स्ट है मोशन मोशन नथिंग बट लीनियर जब हम स्ट्रीट पाथ ट्रेवल करते हैं तो पूरा लीनियर मोशन होता है उसे हम बोलते हैं रेक्टीलियर मोशन ठीक है नेक्स्ट है कर्लिनियर मोशन देखो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल में क्या होता है ऑब्जेक्ट आगे की साइड भी, भी जा रहा है और ऊपर की साइड भी जा रहा है ठीक है मतलब ऑब्जेक्ट लीनियरली भी ट्रैवल कर रहा है देखो आगे की साइड भी जा रहा है और ऊपर के साइड पे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट लीनियरली भी ट्रैवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट अपवर्ड भी ट्रैवल कर रहा है मतलब ये कोई कर्व पाथ फॉलो कर रहा है तो कभी भी अगर कर्व पाथ फॉलो होता है तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन ऑसिलेटरी मोशन सबको डायग्राम से तो दिख ही गया है पेंडुलम ठीक है वो एक पोजिशन पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा ये रहा पेंडुलम ये लेफ्ट साइड जाएगा ये राइट right साइड जाएगा बस ऐसे ये टू एंड फ्रो ऐसे करके मोशन करता रहेगा ठीक है ठीके? और इसके मोशन टू एंड फ्रो होते रहेगा तो ये क्या बन गया ऑसिलेटरी मोशन ठीक है पूरा पीरियड कंप्लीट नहीं कर रहा है ये रिमेंबर सर्कुलर पाथ पूरा कवर नहीं कर रहा है इसलिए ये पीरियडिक नहीं है ये ऑसिलेटरी है नेक्स्ट है सर्कुलेटरी मोशन अगर सर्कुलर पाथ कोई फॉलो कर रहा है और सर्कुल मतलब एक सर्कल में ही वो घूम रहा है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन जैसे कि हमारे बाइक के टायर्स कैसे घूमते हैं वो राउंड घूमते हैं पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं तो वो हो गया सर्कुलेटरी मोशन Translatory motion. Translatory motion is nothing but इसमें क्या होता है Translatory में कि आपका जो motion है वो जहाँ पे आप force लगा रहे उधर remove कर रहा है object ठीक है तो वो हो गया हमारा translatory motion जैसे कि बात करें और ये straight path में ही follow होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ straight path होगा इसमें rectilinear में थोड़ा बहुत लेफ्ट एंड राइट हो सकता है लेकिन ट्रांसलेटरी जो है वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है जैसे कि मूविंग बस ठीक है रनिंग ट्रैक रनिंग पे जो भी रेस करते हैं वो लोग ठीक है तो ये सारे मोशन के टाइप्स हमारे ख़त्म हुए हैं टोटल सिक्स टाइप ऑफ मोशन है तो नेक्स्ट आते हैं वन डी टू डी एंड थ्री डी मोशन ठीक है तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन क्या है जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो करे दैट इज लीनियर मोशन ठीक है सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन और वन डायमेंशन मोशन ठीक है नेक्स्ट है टू डी मोशन तो टू डायमेंशन मोशन क्या होगा टू डायमेंशन मोशन वो है जिसमें ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो करे जैसे कि ऑब्जेक्ट आगे भी जाए और ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाए कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे बैट्समैन ने बॉल को हीट किया और बॉल सीख गया तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है ऐसे कर वो पाथ फॉलो करता है ठीक है तो इधर ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है हर एक पोजिशन पर और ऊपर भी जा रहा है ठीक है ऊपर या नीचे ठीक है मतलब ये हो गया एक्स एंड वाई एक्स आ रहा है इसलिए ये मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डी मोशन नेक्स्ट आता है थ्री डायमेंशनल मोशन थ्री डायमेंशन मोशन इज़ नथिंग बट इसमें आप मोशन प्रिडिक्ट कर सकते जैसे कि मोशन ऑफ हनी बी हनी बी का मोशन आप प्रिडिक्ट कर सकते वो कहीं पर भी मूव करेगा कोई भी डिरेक्शन में मूव करेगा ऐसे ठीक है तो वो हो गया मोशन इन थ्री डायमेंशन ठीक है तो ये है मोशन के कुछ टाइप्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्लेस बेल आइकॉन सो दैट आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे